हेलो एवरीवन, सो टुडेज रेसिपी इज़ वेरी हेल्दी, वेरी गुड फॉर किड्स जो सब्जियां नहीं खाते हैं उनको छुपा के उसमें सब्जियां खिला सकते हैं। ये जो मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ इसको बोलते हैं सूजी उत्तपम, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर स्टमक, डाइजेशन के लिए भी हेल्प करता है, इट्स वेरी वेरी टेस्टी। सो लेट्स कम। सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू रेसिपी, और आई कैन से इट्स अ हेल्दी रेसिपी। सो द मेन इन्ग्रीडियंट्स फॉर दिस रेसिपी इज दोनों टू टाइप्स ऑफ बेल पेपर, रेड एंड येलो, एंड दिस ग्रीन कैप्सिकम, कैरेट, अनियन, ठीक है। और ये हमने बनाना है सूजी से, ये मेरी सूजी है और ये दही है। जितनी मैंने सूजी लेनी है उससे आधा मैं दही लूँगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस बाय चॉपिंग दीज थ्री कैप्सिकम्स, थ्री बेल पेपर्स एंड दिस वन। इन सबको चॉप कर लेंगे अच्छे से छोटा छोटा, और फिर मैं बताऊँगी क्या करेंगे। लेट्स स्टार्ट मेकिंग आर बैटर। पहले हम इसमें डालेंगे एक कप, मैंने ये एक कप सूजी ली है बट मुझे दो कप चाहिए तो मैं इसमें दो कप डालूंगी। तो मैंने ये दो कप सूजी ले ली है अच्छे से। कोई भी कप आप यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जितना बड़ा मैंने लिया आपने उतना ही लेना है। ये मैंने सूजी डाल ली इसमें। अब इसी सूजी में हम ऐड करेंगे इस दही को, इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए ये ड्राई है। नाउ ये दिस इज़ वेरी ड्राई, ये बहुत सूखा हो गया, तो इसको थोड़ा गीला करने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको लगता है कि अभी भी ड्राई है तो आपको इसमें अच्छे से पानी डालना है, इतना पानी डालना है कि सूजी फूल जाए, क्योंकि हमने इसको सूजी को फूलने के लिए रखना है। इससे अभी थोड़ी देर बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। इसमें हम हल्का सा नमक डालेंगे। इसको मिक्स कर दिया। अब इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए, आप 10-15 मिनट के लिए हम भिगो के रखेंगे ताकि सूजी अच्छे से मिक्स हो जाए और वो अच्छे से फूल जाए, ठीक है। सो वील वेट फॉर 10-15 मिनट्स एंड देन वील ऐड द वेजिटेबल्स इन इट। की कंसिस्टेंसी हमें फ्लोई चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे अपनी वेजिटेबल्स जितनी हमने चॉप करके रखी थी। ये कैप्सिकम है, मैंने इसमें दो कैप्सिकम लिए, ये एक कैरेट है, एक गाजर है, ये मैंने आधी कैप्सिकम ली है येलो बेल पेपर, एंड दिस इज रेड बेल पेपर, ये मैंने फुल ली है। सो आपके अकॉर्डिंग है, ज़्यादा सब्जियां नहीं, जितनी सब्जियां अच्छी लगती है। इससे क्या है कि बच्चे सब्जियां खाएंगे और उनको अच्छा भी लगेगा। इनको अच्छे से ऐसे मिक्स कर देना है हमने सबको। इनको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब ये मैंने तड़का बना के रखा है। तड़का इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल, कड़ी पत्ता और सरसों के बीज, जो हमारे मस्टर्ड सीड्स होते हैं, मैंने वो डाले हुए हैं, ठीक है। अब इसको हम इसमें पोर कर देंगे। ये देखो ये सरसों के सीड्स दिख रहे हैं, इसको ऐसे हम मिक्स करके रख देंगे। अगर आपको हल्का सा गाढ़ा लगता है कि ये अभी थोड़ा पतला नहीं है, इसकी कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि हमने इससे बनाने हैं उत्तपम, सूजी के उत्तपम बना रहे हैं हम, तो ये उत्तपम बनाने के लिए अगर आपको लगता है कि ये कंसिस्टेंसी अभी भी गाढ़ी है तो आप थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं, क्योंकि सूजी पानी सोखती है, वो काफ़ी पानी सोख लेती है। सो ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। जब तक ये मिक्सचर और रेडी होता है, सब्जियाँ इसमें मिक्स होती हैं, तड़का अपनी शेप लेता है, सूजी के अंदर मिक्स होता है, तब तक हम बनाते हैं अपनी चटनी। इसके साथ खाने के लिए हम बनाएंगे मूंगफली की दो तरह की चटनी। मूंगफली की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए कच्ची मूंगफली। आपको जितनी चटनी बनानी है आप उतनी बना सकते हैं। मैंने ये इसके ढक्कन के हिसाब से दो ढक्कन भर के लिए हैं, और थोड़े से मैंने ये लिए हैं लहसुन। इन लहसुन को भी हम इसके साथ डाल देंगे और इनको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। रोस्ट नहीं, जब तक ये अच्छे से भून जाए तब तक हमने रोस्ट करेंगे कम सेक पे 5 मिनट के लिए, ठीक है। जब तक हमारी मूंगफली की चटनी भून रही है, मूंगफली की चटनी के लिए मूंगफली भून रही है, तब तक हम अपनी दूसरी चटनी बना लेते हैं। ये हम रेड वाली चटनी बनाएंगे। इसके लिए हमने डाला थोड़ा सा ऑयल। इसी ऑयल में हम डालेंगे ये रेड चिली है, सूखी हुई रेड चिली, जिसको मैंने काट के इसके अंदर से बीज रिमूव कर दिए, बीज निकाल दिए हैं, इसलिए इसका तीखापन नहीं लगेगा, सिर्फ रेडनेस आएगी। तो ये मैंने डाल दी।
फिर इसमें डालेंगे ये देखिए लहसुन, ये चार लहसुन लिए हैं मैंने, चार लहसुन की कलियां जिनको बोलते हैं, ये डाल दिया। ये थोड़ी सी मूंगफली है, हैंडफुल ऑफ मूंगफली है, जैसे सिर्फ एक चम्मच मूंगफली है। ये आधा चम्मच चने की दाल है और आधा चम्मच ही मूंग की दाल है। इनको अच्छे से भूनेंगे। जब आपको लगता है ये हल्की सी फ्राई हो गई है, फिर हम इसमें डालेंगे, ये मैंने एक प्याज लिया है, एक पूरा प्याज, बड़ा प्याज काट के रख लिया, मोटा मोटा काट लीजिए। और ये चार छोटे छोटे टमाटर है, अगर आप बड़े लेना चाहें तो बड़े भी लीजिए, मेक श्योर के टमाटर रेड होने चाहिए, तभी आपकी चटनी टेस्टी बनेगी। तो इनको भी इसमें ऐसे डाल दें, इसको अच्छे से हिलाना है और वेट करना है कि थोड़ा सा पक जाए। ये मूंगफली हमने भून ली थी, भून के हमने इसका छिलका निकाल लिया है। छिलका निकालने के बाद इसमें हम डालेंगे दो मिर्ची और इसको हम पीसेंगे अच्छे से। और ये लाल वाली चटनी है जो मैंने तड़का लगाया था, इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे, फिर हम इसे बारीक पीस लेंगे। ये मूंगफली को मैंने पीस के रख लिया है, हमारी मूंगफली की चटनी जो हमने भूनी थी वो उसको पीस रख लिया। अब हम उसको तड़का लगाएंगे। तड़के में हम डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, जो काली वाली सरसों होती है, और यही हम लाल वाली चटनी के लिए भी तड़का बनाएंगे। दोनों में डालेगा कड़ी पत्ता, थोड़ा थोड़ा कड़ी पत्ता डालेंगे, ये हमारे ऊपर ना आए ये भी ध्यान रखना। और ये थोड़ी सी हरी मिर्ची, मैंने इनको बीच में से काट के रखा हुआ है, ये इसमें डाल देंगे और इसको ढक देंगे तड़का लगाने के लिए। फिर जब तड़का हो जाएगा, इसमें हम ये अपनी मूंगफली इसमें डाल के, नमक डाल के दो उबले दिला लेंगे और हमारी ये चटनी रेडी। रेड वाली चटनी के लिए तड़का मैंने बनाया था, उस तड़के को हम इसमें डाल देंगे और ये हमारी चटनी रेडी। और मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि इस चटनी में हमें, जब हम इसको पीसेंगे तब इसमें थोड़ी सी इमली भी, इमली और नमक, इमली की चटनी हमारे घर में होती है वो डालनी और नमक डाल के इसको पीस लेना है। तो ये रेड चटनी रेडी है। सो वी आर रेडी विद द उत्तपम, सूजी उत्तपम। ये हमारी रेड वाली चटनी, ये हमारी मूंगफली की चटनी और ये हमने उत्तपम बनाया है। सो एंजॉय विद दिस उत्तपम एंड प्लीज डू गिव मी द फीडबैक और कमेंट मी हाउ इट विल, हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड एंड हाउ यू फील। थैंक यू सो मच।